सम्माननीय महामहिम, सम्माननीय अध्यक्ष जी, चौड़िया साहब, मंच पर उपस्थित सभी शिखर पुरुष, उपस्थित विद्वज्जन, मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ और पत्रकार का काम पत्र लिखना होता है और कुछ नहीं होता। मैं भी रोज़ पत्र लिखता हूँ, अपने पाठकों के नाम लिखता हूँ, रोज़ उनकी किसी न किसी आज़ादी के लिए संघर्ष भी करता हूँ। पत्रकार एक ऐसा काम है जो पत्रकार खुद के लिए कभी कर नहीं सकता, उसे जो भी कलम चलानी है समाज के लिए चलानी है। बहुत कम ऐसे पेशे हैं जहां व्यक्ति खुद के लिए काम नहीं करता, जैसे हमारे संत लोग हैं खुद के लिए नहीं जीते। पत्रकार भी अगर ईमानदारी संकल्प के साथ उतरा है तो वो खुद के लिए कभी जिएगा नहीं, उसका जो संकल्प है वो आम की गुठली की तरह ज़मीन में गड़ जाएगा, वो अपनी सुरक्षा कभी ढूंढेगा नहीं। तभी वो वृक्ष बनता है, तभी उसके फ्रूट या फल समाज को मिल सकते हैं। हम किसी मेट्रो बड़े शहर के अखबार नहीं हैं, लेकिन हम आत्मीयता के अखबार हैं। राजस्थान पत्रिका को हम द न्यूज़पेपर विद ए सोल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पत्रकारिता का सिद्धांत जो हमको सिद्धे पिताजी ने सिखाया था, उसमें सिर्फ ये था कि एक थी ध्यान रखना कि संप्रेषण का जो काम है, कम्युनिकेशन का जो काम है, उसमें शरीर, मन और बुद्धि तीनों उपयोग में लिए जाते हैं। पत्रकार भी इन तीनों का उपयोग करता है और पाठक भी इन तीनों का उपयोग करता है। तब बड़ी बात समझने की यह है कि कौन लिख रहा है और कौन पढ़ रहा है। जिस दिन ये बात कम्युनिकेशन में समझ में आ जाती है, तब आपका पाठक शब्दों को नहीं पकड़ता, बिटवीन दी लाइन्स जो उसमें संदेश है वो पकड़ने लग जाता है। और मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन का जो धरातल है उसकी इससे बड़ी कोई साख का मार्ग भी नहीं है। आज हम केवल साख के भरोसे खड़े हैं और यहाँ तक साख हम मानते हैं कि हमारी छपी हुई खबर को हाई कोर्ट भी या जज भी पढ़ के और गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर देते हैं। हमारी पत्रकारिता का जो दूसरा पहलू है वो सामाजिक सरोकार है, जिसका एक इशारा भी आपको पानी के काम के लिए किया, अमृतम जलम, जिसको हम न केवल राजस्थान में पर करीब करीब सभी प्रांतों में जहां हम मौजूद हैं, 30 लाख की हमारी सर्कुलेशन है, हम आठ नौ राज्यों में हैं और हर जगह 2 महीने पूरी गर्मी हम ये अभियान चलाते हैं। उसका कारण क्या है? आज की पढ़ाई में बच्चे धरती से दूर हो गए, उनको इतिहास भूगोल भी मालूम नहीं, पुणे के बच्चे को पुणे का भी इतिहास भूगोल नहीं पढ़ाया जाता, तब उनको मोरल एजुकेशन कहाँ से मिले, उसको पुणे की पहचान कहाँ से मिले। हम उनको इस तरह के कार्यों से जोड़ते हैं कि तुम मिट्टी खोदो तालाब की, 20 साल बाद जब यहाँ से जाओगे याद आएगा कि हमने यहाँ मिट्टी खोदी थी। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ, फिर कहीं से आओगे चलते हुए, यहाँ से गुजरोगे तो याद आएगी हमने यहाँ पेड़ लगाया था। तो मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन को अगर हम सही अर्थों में जोड़ लें जिंदगी में, तो कोई आदमी पराया भी नहीं रहेगा और हम एक दूसरे के साथ आत्मीयता के साथ जुड़ सकेंगे। आपने मुझे सम्मान दिया, ये सम्मान मैं अपने पिताजी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, जैसे आम की गुठली पेड़ में से चल करके फल लगा रही है, तो वही मेरे शरीर में से चलकर ये सब फल लगा रहे हैं। तो तेरा तुझको अर्पण, नमस्कार।